वेलकम द क्रेव हर्मिट पॉडकास्ट एंड आज हमारे साथ हैं रंजन रजा सर, जिन्होंने हैकिंग के फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। उनका खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और उन्होंने कैसे हैकिंग के फील्ड में अपना कदम रखा और कैसे उन्हें इस फील्ड में इतनी सफलता मिली, आज हम लोग उनसे ही जानेंगे। तो सर बताइए सर। पहले तो मेरा नाम रंजन राजा है और मैं एक साइबर सिक्योरिटिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ एंड आई हैव माई ओन कंपनी नेम्ड एज एडुकॉन्फ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पटना में ही हमारे काफ़ी ब्रांचेज हैं और हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आके वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं और मैं पर्सनली उनको मैं ट्रेन देता हूँ। ओके सर, वैसे तो आप बेसिकली अभी पटना में हैं, बट आपकी शुरुआत किस स्टेट से हुई? जी, मैं पटना के ही रहने वाला हूँ और मैंने अपनी 10th 12th जो है वो पटना से ही किया है। बाकी फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ा था, वहाँ से मैंने बीटेक किया है। ओके और बीटेक के समय ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम काफ़ी कुछ इनोवेटिव सोच आते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, आप अपनी बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हो, आप किसी कंपनी में काम कर सकते हो, फिर आपको कोई बताने वाला भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे कुछ यूनिक करना था और जी इस फील्ड में आने के लिए मुझे उस टाइम कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। ओके, तो मतलब बेसिकली आपने जो अपने हैकिंग करियर की स्टार्ट की, जो आपका इंटरेस्ट आया पहला इंटरेस्ट, वो कॉलेज के दौरान ही आया? जी, मैंने फर्स्ट टाइम इसका सेमिनार अटेंड किया था, हमारे कॉलेज में ही हुआ था साइबर सिक्योरिटी का। और इसके पहले मुझे कंप्यूटर चीज़ में काफ़ी रुचि थी, मैं इसके बारे में काफ़ी कुछ सर्च करता था, मुझे अच्छा लगता था कि मैं लैपटॉप पर काम करूँ, मैं सिस्टम पर काम करूँ। उस टाइम प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी ज़्यादा मैं स्किल्स डेवलप कर रहा था अपनी, मैं कुछ कुछ नए चीज़ों को डेवलप कर रहा था, सॉफ्टवेयर्स वगैरह मैं डेवलप करता था। ओके, कोई गाइड करने वाला था सर आपको? नहीं, उस टाइम कुछ नहीं था, मैं जो भी कर रहा था उस टाइम इंटरनेट के हेल्प से ही कर रहा था। उस टाइम यूट्यूब था और काफ़ी कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं अच्छे अच्छे हैकर्स के। कॉलेज डेज की बात है? ये बात है 2010 की। ओके, 9 में मैंने एडमिशन लिया था, एक साल तो मुझे समझने में ही लगा क्योंकि बिहार से मैं बाहर गया था, पहली बार मैं बाहर गया था तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर समझने में कुछ प्रॉब्लम, फिर अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, तो वो मुझे काफ़ी एक साल लग गया मुझे समझने के लिए, जहाँ पे मुझे अपनी भी स्टडी को देखना था। सेकेंड ईयर में आने के बाद मुझे उस टाइम पर्सनल लैपटॉप मिला, क्योंकि हमारी बजट उस टाइम उतनी नहीं थी और पेरेंट्स भी उतना नहीं दे पा रहे थे। हाँ, उतना भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि इन चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जिसमें खर्च किया जाए। जी, फिर मुझे रिक्वायरमेंट होने लगी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह के स्किल्स को डेवलप करने के लिए, तो फिर मैंने लैपटॉप लिया। और उस टाइम फर्स्ट टाइम, मतलब कि आप ये कह लो कि एक सेमिनार हुआ था, वर्कशॉप हुआ था एथिकल हैकिंग का, और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा लगा कि हैकर्स कैसे काम करते हैं, कैसे किस चीज़ों को हम क्रैक कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, उसे ट्रेस कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ये चीज़ करना चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि उस टाइम एक orkut.com एक सोशल मीडिया प्रोफाइल था, orkut.com, तो वो काफ़ी उस टाइम फेमस प्रोफाइल था और काफ़ी कुछ इंडियंस हैकर, बाहर के हैकर उसमें एडप थे। तो मैं ये सर्च करता था कि उनकी कब सेमिनार हो रही है, नेक्स्ट टाइम किस स्टेट में हो रही है, तो मैं उस चीज़ों के लिए पैसे जमा करता था कि मुझे वहाँ पे जाना है सेमिनार वगैरह के लिए। जी, मुझे कुछ सीखने के लिए उनके पास ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि उनके लिए कहाँ पे सेमिनार हो रहे हैं वो डेट को नोट डाउन करते थे। पॉकेट मनी होती नहीं थी, पैसे कुछ फ्रेंड से मदद लेना, कुछ अपने फैमिली मेम्बर से पैसे लेना, क्योंकि उस टाइम उतने पैसे मिलते नहीं थे, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का भी कॉस्ट होना चाहिए, फिर रहने का भी चाहिए मुझे। तो फिर मैं ऐसे करके उनकी सेमिनार्स वगैरह को अटेंड करता था, तो मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज आने लगा इस फील्ड में। फिर अच्छा, वैसे इस फील्ड में क्या था जो आपको अट्रैक्ट करता था? इसमें काफ़ी कुछ ये था कि आप जो भी चीज़ देख रहे हो या कर रहे हो, वो आप इसके हेल्प से कुछ ज़्यादा ही कर पा रहे हो। जैसे कि लोग सोच भी नहीं सकता है कि आप किसी चीज़ को क्रैक कर सकते हो, किसी चीज़ को रिमोटली एसेस कर सकते हो, तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल था। ओके, तो मुझे जा सकता है किसी भी चीज़ को उसका रियल पोटेंशियल पे उसका यूज़ कर पाना। जी जी, ओके। तो मुझे ये शुरू से ही दिलचस्पी थी कि नहीं, मैं इसके बारे में जानूं कि कैसे ये काम करता है, और यही चीज़ें थी कि मुझे इन सब चीज़ों की तरफ खींचे में चला गया। और उस टाइम ये काफ़ी कुछ क्रेज़ था कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हो तो ये किस तरह से काम करता है, अगर आप कुछ परचेज करते हो तो ये कैसे काम करता है, वाईफाई कैसे कनेक्ट होती है, वाईफाई को हम कैसे अपने थ्रू हम ये काम को कर सकते हैं। तो यही सब रुचि होती है जो कि एक हैकर्स बनने में आपको हेल्प करती है। ओके, तो फिर मैंने इन सब की हेल्प लिए, सेमिनार से अटेंड किया, और हमारे कॉलेज में ही आप ये कह लो कि मेरी प्लेसमेंट थी। Okay. जो कि एक कंपनी थी सेक्यू जीनियस के नाम की, वो लुधियाना की कंपनी थी। प्लेसमेंट जो हुई वो हैकिंग के? जी, हैकिंग वाली फील्ड में हुई थी। आपने कॉलेज में बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट लिया था सर? जी, मेरी ब्रांच तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थी। Okay. मगर मेरा शुरू से जो मेरा इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर साइंस में था। Okay. क्योंकि मुझे पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स की हो सके मार्केट इन फ्यूचर उतनी डेवलप नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के ही इंजीनियर हैं। तो फिर ऐसा क्यों सर किया आपने? तो मैंने अपनी बिजनेस को डूबते हुए देखा।
इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी, तो फिर सर आपको तो फिर आईटी लेना चाहिए था, कंप्यूटर साइंस। मेरे यहाँ पे ये चीज था कि अगर पापा इंजीनियर है तो आप भी उसी फील्ड में जाओ ताकि मेरा बिजनेस आगे इंजीनियरिंग सेम फील्ड, क्योंकि मेरा फादर का सर क्या बिजनेस था, यहाँ पे ही अब इन्वर्टर ये सब का मेरा बिजनेस है, मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह का बिजनेस है। तो मैंने उसको उस दौरान डूबते हुए देखा क्योंकि चाइनीज काफी कुछ मार्केट में आ चुका था, यहाँ के प्रोडक्ट प्राइस थी वो काफी गिर रही थी। तो खुद की कंपनी थी उस टाइम, वो मैंने खत्म होते हुए देखा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जो स्किल्स है मैं उससे कंप्यूटर की तरफ में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो जो नया टेक्नोलॉजी डेवलप जी मैं उसकी तरफ में जाता हूँ, मुझे ये लगा। तो उस टाइम काफी कुछ ऐसा हो गया था जब मुझे हैकिंग चूज करना था और कॉलेज से प्लेसमेंट भी हो चुका था, मैं इंटरव्यू भी फेस कर चुका था, इवन की कंपनी जो थी मुझसे एक रुपये भी नहीं ले रही थी मुझे ट्रेनिंग देने का। मगर वहाँ पे किसी का भी हेल्प नहीं, सब लोग कहें कि नहीं ये अलग चीजें, इलीगल एक्टिविटीज करोगे जेल हो जाएगा। तो हाँ ये बात भी है कि सर हैकिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें कहीं ना कहीं लोग इस नज़र से देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत एक्टिविटीज होती है या फिर कुछ अलग तरह का माहौल या इनसिक्योर एक्टिविटीज वगैरह होती है। सेम चीज हमारे फैमिली के साथ भी हुई थी, उस टाइम किसी ने एग्री तो नहीं किए मगर मेरा जीत था कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इसमें काफी कुछ बेटर फ्यूचर दिख रहा था क्योंकि बहुत सारे हमने हैकर्स के इंटरव्यू देख रखा था, काफी कुछ वर्कशॉप अटेंड कर रखे थे, तो मुझे पता था कि नहीं इसी का फ्यूचर आने वाला है। साइबर सिक्योरिटी इज अ मेन फेस, एक फ्यूचर इसी से होने वाला है। आप कुछ भी कर रहे हो तो सिक्योरिटी इज अ वेरी इंसेसियल पार्ट ऑफ दैट। आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वहाँ पे सिक्योरिटी होना जरूरी है। कुछ बहुत सारे बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, एटीएम फ्रॉड हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक इथिकल हैकर्स की नीड हो रही है। तो आप वो काम करो जिसका कि इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट आने वाली है। तो मैंने इस फील्ड को फिर चूज किया। इसमें गवर्नमेंट ने मुझे टोटल ट्रेनिंग दी, मुझे बताया, फिर मुझे जॉब के लिए भी वहाँ पे रखा, फिर मैंने काफ़ी दिन वहाँ पे काम भी किया एज अ साइबर सिक्योरिटी। मैंने कुछ वहाँ पे ट्रेनिंग भी देना बच्चों को स्टार्ट किया, मगर उसके बाद मुझे लगा कि यार हमारा बिहार जो है थोड़ा सा पीछे है एजुकेशन के फील्ड में और खासकर इसके फील्ड में, क्योंकि उस टाइम हमारे समय तो उतने कॉलेजेस नहीं थे जो मुझे खुद पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा था। तो उस टाइम भी लगा कि नहीं मैं चलता हूँ बिहार, मैं बिहार आता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आके इथिकल हैकिंग का मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। तो कैसा रिस्पांस मिला बच्चों लोगों से, क्या उनके पेरेंट्स एग्री होते थे या फिर वो लोग खुद इंटरेस्टेड होके आते थे या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि ट्रेंड तो नहीं था हैकिंग का, नहीं ट्रेंड नहीं था, मगर उस टाइम एक दो इंस्टीट्यूट थे यहाँ पे मगर इनके पास अच्छे कोई ट्रेनर नहीं थे क्योंकि उनको भी उतना नॉलेज नहीं था। तो जब मैं आया तो काफ़ी कुछ मुझे सुनने को मिलता था, पेरेंट्स एग्री नहीं होते थे, बच्चे बोलते थे कि सर वी आर इंटरेस्टेड इन दिस मगर हमारे पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करो, ये चीज़ ट्रेनिंग मत करो। दूसरी चीज़ है फी, फी भी थोड़ी इसकी महंगी थी जहाँ पे मैं भी पढ़ाता था। अच्छा, तो हैकिंग जो बेसिकली है, कोई भी बंदा जो हैकिंग स्टार्ट करना चाहे तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो कि कोई भी बंदा अफोर्ड कर सकता, नॉर्मल बंदा मतलब इसको सीखना? देखिए अगर आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे पैसे लेंगे ही लेंगे, तो अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीस होते हैं। और इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम तो ये कि एक बंदे के पास लैपटॉप या सिस्टम हो ताकि वो घर जाकर प्रैक्टिस कर सके। और बहुत सारे हैकर्स बोलते हैं कि आप पहले प्रोग्रामिंग मजबूत कर लो, नेटवर्किंग मजबूत कर लो, फिर हैकिंग सीखने हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ट्रेनर कैसे हैं, वो आपको सारे रिसोर्स साथ में दे रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर एजुकेशन है तो किसी लोग के लिए बिजनेस भी है, तो चाहते हैं कि वो पहले डेवलपिंग पार्ट क्लियर करें, फिर नेटवर्किंग पार्ट क्लियर करें, फिर कुछ सर्टिफिकेशन करवाते हैं, फिर कहते हैं हैकिंग सीखने के लिए। अब जो जिसको पता है नॉलेज है वो बोलते हैं कि नहीं आप साथ में कंटिन्यू करो, जो रिक्वायरमेंट होगा वो आपको हैकिंग के दौरान इसके ट्रेनिंग के दुकान ये दौरान ही आपको बता देते हैं। तो ये चीज़ है, हाँ एक लैपटॉप होना चाहिए ताकि घर बैठ के आप उसको प्रैक्टिस कर सको। बाकी बच्चों को हमारे सामने आते हैं तो हम भी उनको अपना सिस्टम देते हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि हैकिंग जो है 90% कहीं ना कहीं लाइव हैकिंग या फिर प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड करते हैं कि आप क्या इसको अंडरस्टूड कर पाते हैं। तो आप सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ देते हैं? जी तो बेसिक जो यहाँ पे पटना में जो कल्चर बन रहा है, जो अच्छे अच्छे हैकर्स निकल रहे हैं, तो क्या उनको पटना में लोकल जॉब मिल पा रहे हैं या ऐसा कुछ? अभी तो काफ़ी दिक्कत है मगर आज के डेट में बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर है जो कि गवर्नमेंट की है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रही है इसकी। तो आप जानते हैं हमारा बिहार ये सब चीज़ों में काफ़ी आगे है, यहाँ पे लोग बैंकिंग सेक्टर, रेलवे, ये सब में ज़्यादा कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वो एक इससे भी कोर्स करके उनके थ्रू वहाँ जा सकते हैं, वो काफ़ी रिक्वायरमेंट इसकी आती है। अच्छा, ऐसा कुछ स्कोप नहीं है इसमें क्या कि बेसिकली मैं देखता हूँ फ्रॉड लॉन्ड्रिंग जो हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जो होती है, ऑनलाइन पैसे ट्रांजेक्शन में चोरी हो जाते हैं, तो हैकर्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं या फिर? जी, हैकर्स ये काम करते भी हैं और इथिकल हैकर्स इसको सॉल्व भी करते हैं ये, बट वो विदाउट गवर्नमेंट परमिशन डायरेक्ट को इनसे कंसल्ट करना चाहे तो इज इट पॉसिबल? ये डिपेंड करता है कि वो हैकर कौन सा है,
अभी काम को करना चाहता है कि नहीं। ओके क्योंकि लीगल एक्टिविटीज और इलीगल एक्टिविटीज दोनों पैरेलल चलते हैं। अगर आप कुछ नया बना रहे हो तो उसको तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई है, अगर कुछ आप पुराना कर रहे हो तो उसको नया चेस भी। तो इन दोनों चीज के बीच में जब एक हैकर को बैलेंस करना पड़ता है जी, तो फिर क्या उस पर गुजरता है, मतलब किस तरह से वो इस डिसीजन को ले पाता है? देखिए अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको डर तो हमेशा है कि आप कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। आप सही काम कर रहे हैं तो आपको किसी का डर नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करती है, तो ये चीज़ बनता है। क्योंकि मैं कहूँ तो हैकिंग एक ऐसा पावर है आपके पास, अगर आप अच्छे डेवलपर हैं, आप अच्छे हैकर हैं, कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं इंटरनेट पे। मतलब इंटरनेट ऐसे आपके लिए खुला ताले के जैसा है। जी जी। और खुला ताले के जैसा होने के बाद और एक एथिकल हैकर का रोल प्ले कर पाना कि वहाँ से कुछ भी गलत काम ना करना अपने फेवर में या किसी और के फेवर में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी हमारे साथ भी होता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप ये अकाउंट हैक कर दो या फिर कॉल कन्वर्सेशंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, तो ये सब मेरे साथ भी काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो मुझे बोलना पड़ता है कि नहीं, हम बस इसकी ट्रेनिंग देते हैं और ये इलीगल एक्टिविटीज़ हम नहीं करते हैं। हाँ अगर मेरे जो जूनियर्स होते हैं उनके मन में लगता है कि उन्हें कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, मगर हम तो उनको वही सुझान देते हैं कि नहीं आप बेसिकली आप इथिक्स की भी ट्रेनिंग देते हैं कि एथिकल हैकिंग में क्या इथिक्स आपको फॉलो करना चाहिए। ओके तो वो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं करते हैं तो आज लॉन्ग टर्म में फिर उनको दिक्कत है फिर वो उस पावर का मिसयूज करना। पावर किसी के पास नहीं होता है, पावर सही हाथों में हो और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ही सभी के लिए फायदेमंद है, उनके खुद के ग्रोथ के लिए एकदम। ओके तो ये तो आपका, और कुछ फ्यूचर का प्लान सर? जी फ्यूचर का प्लान ये है कि पटना के साथ साथ अभी जैसे कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ब्रांचेस हैं, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे स्टेट में भी जाएं, हमारे पटना में भी काफ़ी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे कि इनकी रिक्वायरमेंट हो, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के लिए बेसिकली लोग काम करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी का ही फ्यूचर है। Yes, sir, हर कंपनी जो भी है ऑनलाइन हो चुकी है, ऑनलाइन ऐप्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट हैं, सारे काम आप आज के डेट में ऑनलाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट करेंगे ही करेंगे। तो सर आपने जब अपनी कंपनी की शुरुआत की उस जमाना में, जिस जमाने में स्टार्टअप का कोई क्रेज नहीं था, कोई रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे और एक बंदा जो कि मिनिमम रिसोर्सेस में या फिर कहीं रिसोर्सेस जैसा कुछ था ही नहीं उसके पास, अपने स्किल के दम पे एक स्टार्टअप खड़ा करने जाए, तो फिर आपने वो किया इतने साल पहले, तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो 2013 में जब मैं पटना आया तो उस टाइम पहले से कुछ इंस्टीट्यूट थी जो कि इसकी ट्रेनिंग करवा रही थी, मगर उनके पास अच्छे कोई ट्रेनर नहीं थे। तो जब मैं आया यहाँ पे तो उस टाइम क्या था कि मैं देखता था कि लोग यहाँ पे पैम्पलेट्स बांट रहे हैं, लोग यहाँ पे पेपर में इश्तिहार छपवा रहे हैं बच्चे उनके पास है, बच्चे हो सके आते भी थे मगर फीस इतनी महंगी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मैं जब गया तो उनके मन में भी फ्रॉड था कि नहीं बच्चे अगर आ रहे हैं तो ये मेरे पास पैसे उतने नहीं बन रहे हैं, अगर वी नहीं बन रहे हैं तो मुझे इसको सैलरी नहीं देना है। तो ऐसा नहीं कि मेरे आने के बाद उनके प्रॉफिट नहीं हुई है, इवन कि काफ़ी कुछ ब्रांचेस खुले, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे 2 से 3 ब्रांचेस पटना में खुले और जब खुले तो अपॉर्चुनिटीज़ भरी, दूसरे हैकर्स भी पटने में आने लगे, हमने काफ़ी लोगों को रिकॉर्ड भी किया कि ट्रेंड होकर आप ही से ब्रांच में डिवाइड होने लगे उनकी इनकम भी होने लगी। तो हुआ क्या कि उनके मन में थोड़ी सी लालच आ गई, जो हमारे जो बॉस हैं जिनके यहाँ मैं काम करता था, जो पटना में आपका जहाँ पे मैं जॉब करता था, तो मैं चाह रहा था कि कुछ फीस कम हो जाए क्योंकि बाकी लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और उनका कहना था कि सर इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स भी कहते थे कि सर इनको शौक तो है, बच्चे ने जीत किया, मुझे इसको फॉलो करना है, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं उनसे बोलता था कि सर कुछ फीस कम कर लो, ब्रांड भी कुछ जाने वाला नहीं है, बच्चे पढ़ लेगा तो उनके थ्रू ही कुछ बच्चे आएंगे, मगर उन्होंने कुछ माना नहीं है। बाद में कुछ मेरे साथ भी उन्होंने फ्रॉड किया सैलरी वगैरह को लेकर, तो मुझे काफ़ी कुछ दुख लगा कि यार इतना कुछ छोड़ के, अच्छी जॉब को छोड़ के मैं पटना में आया हूँ और यहाँ पे मतलब कि आप अभी तक पुराने चीज़ों को अपना रहे हैं, आप इसको ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, आप इसको बस पैम्पलेट बंटवा रहे हैं, अगले से इतना मेहनत कर रहे हैं जिसका ये कोई आउटपुट भी उतना नहीं हो रहा था। तो मैंने लगा कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए, मैं अपने घर पे ही आया, मुझे लगा कि अब तो मैं कहीं का नहीं रहा, मेरी जॉब भी हट गई है, मैंने पैसे भी रख लिए। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि इसको तुम घर से ही स्टार्ट करो, अगर तुम्हारे पास स्किल है, अगर तुम कहते हो कि इसको ऑनलाइन हम लेके जा सकते हैं तो इसको घर से ही स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ना होगा वो आएगा ही पढ़ने के लिए।
तो फिर मैंने उस टाइम तो घर से ही पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे कोई कंपनी उस टाइम एस्टेब्लिश नहीं हुई थी। बेसिकली आपने होम ट्यूशन स्टार्ट किया, मतलब अपने ही घर से, अपने ही घर से मैंने बुलाकर कोचिंग टाइप, अपने स्टूडेंट, मैंने क्या किया कि उस टाइम ऑनलाइन मैंने काफी इसको डिजिटलाइजेशन किया अपने बिजनेस को, कि मैं इसके ऑनलाइन ट्रेडिंग देता हूँ, ऑनलाइन के थ्रू मेरे पास बच्चे आने लगे, सर्च करने लगे। बेसिकली आप ऑनलाइन पढ़ाते थे? जी जी, या ऑनलाइन मार्केटिंग करते? जी, मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया अपने बिजनेस के लिए, उसके थ्रू वेबसाइट पे हमारी काफी व्यूज होने लगे, रिक्वायरमेंट होने लगी, इंक्वायरीज होने लगी, तो फिर बच्चे मेरे पास आने लगे। और ऐसा काम मैंने एक साल किया, एक साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दोबारा बोला कि अब तुम एक अपना खुद का एक अपना इंस्टीट्यूट खोलो, कंपनी डेवलप करो, जो कि इस चीज़ों की ट्रेनिंग देती हो, फीस थोड़ा कम करो, ताकि हर तरह के बच्चे तुम्हारे पास आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मैंने उसी को फिर फॉलो किया, मैंने एक अपना ब्रांच पहला डाला, जो कि मुझे थोड़ा सा उसमें लॉस हुआ, बच्चे आते थे, मुझे भी सेम स्ट्रगल करना पड़ा, समझाना पड़ा, मतलब रेंट पर लिया कुछ? जी, मैंने रेंट पर लिया, उसमें आपको लॉस हुआ स्टार्टिंग में? जी, लॉस हुआ। उसके बाद मैंने अपनी कंपनी भी इस्टेब्लिश की एडुकॉम टेक्नोलॉजीज के नाम से, और इसी की कंपनी के नाम से आज के डेट में हमारे पास 3-3 ब्रांचेज हैं, और अभी और भी खुल रहे हैं। और जब मैंने इसको लॉन्च किया था तो उस टाइम हमने काफ़ी कुछ फीस को लेके चला, इंस्टॉलमेंट पैकेजेस लाए, ऑनलाइन हमने काम किया, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट का भी काम किया, पेंटेशन टेस्टिंग डिजाइनिंग का भी हमने काम किया, मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम जितना ज़्यादा हमारी हो सकती है, जितनी भी आपके स्किल थे उसको मैक्सिमाइज जी मैंने किया। और हमने सबसे पहले यहाँ पे टीम बनाया, मैंने टीम को पहले पर्सनली मैंने ट्रेनिंग दिया किस तरह से मैं काम करता हूँ, मैंने ये चीज़ बाहर देखा है उसको मैंने ही फॉलो कराया, और जो पुरानी जो ट्रेंड थी मैंने उसे हटाया, मुझे ये फोकस था कि जो बच्चे नहीं आ रहे हमारे पास उसे मैं कैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग दूं, जो लोग हैकिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे अफोर्डेबल बनाना, और जी उनके लिए कुछ पैकेजेस जैसे कि कुछ वीडियो ट्यूटोरियल, मैंने बहुत सारी फ्री ट्यूटोरियल्स भी बांटा, बहुत जगह फ्री में सेमिनार्स भी दिया, आज भी मैं देता हूं। तो सर के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी ये हैं, और मेरे बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं, और बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं जो कि आज के डेट में पटना में आके हॉस्टल रह के मेरे से पढ़ाई करते हैं। आपके हैकिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में सर मैं डाल दूंगा, जी ऑफकोर्स उसको डाल दीजिएगा, ताकि और मेरे काफी कुछ फ्री सेमिनार्स भी होते हैं इंडिया में भी होते हैं, और दूसरे से मैं स्टेट्स में भी जाता हूँ, इसको पर्सनली मैं ट्रेनिंग देता हूँ, और जो बच्चे चाहते हैं कि इसके बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट हो या क्या होता है हैकिंग, वो मुझसे पर्सनली भी कभी भी आके मिल सकते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है। और मेरा यही कहना है कि जितना ज़्यादा लोग इसको करेंगे उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बेसिकली आप स्टूडेंट वाइज में कभी ये करते हैं कि कोई बंदा हैकिंग किसी गलत इंटेंशन से सीख रहा है तो? जी, वैसे कुछ लोग मेरे लिए तब तक वो बच्चे हैं जब तक वो मेरे साथ हैं, अब उसके बाद वो क्या करते हैं मैं उनको एक अच्छा ही, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एक शिक्षक हूँ, मेरा काम है उनको अच्छा ही ज्ञान देना, अब वो कैसे यूटिलाइज करते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। आपका काम है उनको सारा रूल्स एंड रेगुलेशन समझाना, सब कुछ बताना कि वो उसका क्या मोटिव होगा और क्या गलत काम होगा, क्या एक्टिविटीज हो सकती है, मैं सब कुछ बताता हूँ उनको, अब वो डिपेंड करता है उन पे कि वो उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। मगर ऐसा है कि मैंने जितने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है आज तक सबसे मेरी लिंकर्स है, सब कोई मुझसे बातचीत करते हैं, और कुछ नया चीज़ आता है तो मैं उनको बुला के मैं ट्रेनिंग देता हूँ। कितने घंटे काम करते हैं सर आप? जी इतना जान लो कि 3 ब्रांचेज हैं, तो सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक 12 घंटे मुझे काम करना पड़ता है। उसके बाद जो समय बचता है मैं खुद की कुछ नया चीज़ अगर आया होगा तो मैं खुद भी स्टडी करता हूँ इसके लिए। तो मेरा ये मानना है, जी मुझे ये मानना है कि वो ट्रेनर अगर अपडेट नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। पहले जब आपने अपना बिजनेस स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था और अब में, क्या लगता है कुछ आपके काम में कमी आई है या फिर आपका बर्डन कुछ कम हुआ है? जी बर्डन इसलिए कम हो गया क्योंकि हमारे पास अब टीम है, 3-3 ब्रांचेस है, टीम है, तो वो काफ़ी कुछ हेल्प कर देते हैं, और मैंने खुद अब ट्रेनर को मैं हायर करता हूँ, मैं उनको भी ट्रेनिंग देता हूँ कि लेटेस्ट क्या हो रहा है आप उनको भी ट्रेनिंग दो, तो थोड़ा सा मेरे लिए खुद के लिए समय निकल जाता है कि मैं यूडीमी के लिए वीडियो बनाऊँ, मैं अपनी बुक्स लिखूँ, या आने वाले मुझे क्या नया अच्छा, आने वाले समय में आप बुक भी लिखने वाले? जी हमारी कुछ मंथ्स में हमारी बुक भी आ रही है, यूडीमी पर और भी ट्यूटोरियल हमारे आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। हमारे YouTube पे भी काफ़ी कुछ फ्री में ट्यूटोरियल है, एक तो स्ट्राइक बन जाती है तो मैं उसमें आप वीडियो नहीं पुट कर पाता हूँ, तो अब जो है तो पेड चलती है, तो पेड के थ्रू हमारे पास बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे किसी के बारे में बताइए सर, जो कोई बंदा आया हो आपसे और कह रहा हो कि मुझे फेसबुक या अपना व्हाट्सएप? जी वो तो नहीं, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे आए थे जैसे कि वो बीटेक में एडमिशन लिए थे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने एक बच्चे था मुझे याद है कि उसको मैंने ट्रेनिंग दिया, सब कुछ सिखाया, वो बच्चा चला गया, उसकी प्लेसमेंट भी हो गई, और फर्स्ट सैलरी का चेक वो मेरे नाम पे इशू करवाया था। अब वो मेरे लिए काफ़ी इमोशनल सीन था, मैंने कहा कि इसे रख लो आप, मुझे नहीं चाहिए, कहा कि नहीं सर जो बनाऊँ मैं आपके थ्रू ही बनाऊँ,
तो वो मेरे लिए काफी कुछ मेमोरेबल था। अच्छा है, गुरु दक्षिणा में आपको जी, तो मैंने फिर उसका रिटर्न कर दिया। मैंने वो अचीव कर लिया वही गिफ्ट है आपके लिए। हाँ, उससे बड़ा गिफ्ट किसी भी ट्रेनर के लिए, किसी भी टीचर के लिए कुछ नहीं होता अगर उसका बच्चा अगर आगे बढ़ता है। कुछ वर्थ वाइल सोसाइटी में सिखा रहे हैं कि लोगों को। जी जी, बाकी और भी बच्चे इस समय में जहाँ पे सोसाइटी पे ज्यादा नौकरियाँ अवेलेबल नहीं है, खासकर हमारा पटना थोड़ा सा पीछे, मगर ऐसा नहीं है कि काफी पीछे रह सकता है। आज के डेट में काफी कंपनीज आ रही है, काफी कुछ स्टार्टअप भी आ रहे हैं। पटना एक डेवलपिंग सिटी है जी, काफी कुछ यहाँ पे है। काफी मैंने कि यहाँ के स्टूडेंट काफी तेज हैं और काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं इन सब चीजों में, तो हमें उनको हेल्प करना चाहिए। अगर मैं बाहर से आया हूँ इन चीज़ों को यहाँ सिखाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये और आगे तक जाएगा। और पटना ही क्या, मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में इस चीज़ को, मैं अपने ट्रेनिंग को, स्किल्स को मैं डेवलप करूँ, मैं आगे बताऊँ। और भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस चीज़ों को अच्छे से करवा रहे हैं, तो मैं उनको भी थैंक्स बोलता हूँ इस चीज़ें जो कर रहे हैं। ओके, ये तो होगी सर आपकी प्रोफेशनल लाइफ जी। और आप अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए सर। जी, पर्सनल लाइफ ये है कि मैं घूमता फिरता काफ़ी हूँ। अच्छा, मुझे पसंद है जी, मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है। ओके, और जब फ्री टाइम होता है तो मैं पुराने स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, क्योंकि दे आर आल्सो माय फैमिली। उनके साथ पार्टी अटेंड करना, लॉन्ग ड्राइव जाना, ये मुझे काफ़ी पसंद है। लास्ट नाइट को मैंने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा था, आप लॉन्ग ड्राइव पर, तो वो हमारा चलता है। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ घूमें, खुश रहें। इवन कि आज के डेट में ऐसा है कि उनके पेरेंट्स तक मुझे कॉल करते हैं कि सर आप कल क्या कर रहे हो, परसों क्या कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ट्रैवलिंग में ही गुजरता है, और बाकी जो समय बचता है उसमें मैं खुद के लिए मैं लर्निंग करता हूँ, मैं बुक्स लिखता हूँ। हैकिंग तो सर एक फील्ड है, कुछ और फील्ड जिस जो आपको दिलचस्प लगते हो? जी, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। मैं आज के डेट में सुनना या प्ले करना? प्ले करना। मैं अच्छा, प्ले करना। जी, आप क्या क्या प्ले करते हैं सर? जी, मुझे पियानो बजाना बहुत अच्छा लगता है। okay. मुझे, मैंने उसकी ट्रेनिंग भी लिया था, पटना में ही लिया था, तो मुझे उसका काफी शौक है। और बस ड्राइव करना मुझे काफी अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना। ओके, बाकी यहाँ पे मेरे कुछ कम फ्रेंड्स हैं, क्योंकि इस एज में हर लोग अपने अपने लाइफ में बिजी है, तो मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। हाँ, मगर संडे सैटरडे को मैं समय निकालता हूँ उनके लिए, क्योंकि संडे सैटरडे को मेरा फ्री का सेमिनार भी चलता है। ओके, तो उसके लिए कॉलेजेस मुझे इन्वाइट करते हैं कि आप आके इनको बताओ कि आपने क्या किया, कैसे आप सक्सेसफुल हुए, तो ये ऐसी चीज़ होती है। और मूवीज वगैरह देखते हैं सर आप? जी, मुझे बहुत पसंद है मूवीज देखना। किस तरह की? मुझे कॉमेडी मूवी देखना काफी पसंद है। आप हैकर हैं सर, मुझे तो लगा कि आप बोलेंगे द मैट्रिक्स इज माय फेवरेट मूवी। जी, वो सब कहने का वक्त है वो भी मेरे, मगर आप ऐसा चीज करो कि देखिए, एक तो समय नहीं मिलता है, जब समय मिलता है तो वो 3 घंटे या 2 घंटे ना होते हैं, वो आपको खुश रखता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि काम का इतना स्ट्रेस रहना हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा है। इसलिए मुझे सुबह उठना है, मुझे एकदम रॉकिंग म्यूजिक, जी मुझे रॉकिंग म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। और इसलिए मुझे वो, मैं सारे काम कर जिससे कि मुझे स्ट्रेस ना हो, क्योंकि जो बंदा मैंने बहुत देखा स्टार्टअप को कि वो स्ट्रेस लेते हैं, वो बहुत डर जाते हैं 1-2 महीने में कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये चीज को कैसे करूंगा। वैसा ही होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा, हो सके कि स्टार्टअप जी, मैं स्टार्टअप को ये बोलना चाहूँगा कि आप कभी डरो मत कि आपका फ्रेंड आपको हेल्प नहीं कर रहा है, आपके पास पैसे नहीं है। अगर आप में क्वालिटी है तो काम आपके पास खुद ब खुद आएगा, और उसमें जरूर आप आगे बढ़ोगे। तो वो चीज़ होना चाहिए, मगर डरना नहीं चाहिए। आप थोड़ा समय लगता है, मुझे भी समय लगा था, मुझे स्ट्रगल करने में यहाँ पे 2 से 3 साल लगा था। मैं बता दूँ कि मैं जिसके कंपनी में मैंने काम किया था, 2015 में मैंने उस कंपनी को परचेज लिया, मास्टर फ्रेंचाइजी किया, और जो तीनों जहाँ पे मैं वर्क करता था उस डेट को वो मेरे नीचे काम करते थे। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रख के मैं इस फील्ड में आगे बढ़ा। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक ही फील्ड में रहें, ऐसा नहीं कि आप एक साथ चार्टर्ड काम का सोच रहे हो। आप एक ही फील्ड में आगे बढ़ो, जब आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल उसमें आप हो रहे हो तो कुछ नया काम करो। ऐसा क्या होता है कि अभी आप इनोवेटिव माइंड है आपका, आपके पास काफ़ी कुछ सोच आएगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, कोई आपको नया सजेशन दे रहा है, नहीं, आप एक अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ कि आपको क्या फॉलो करना है, उसी पर चलिए। टाइम लगेगा मगर मिलता जुड़ है। ओके सर, वैसे तो पटना में आप रह रहे हैं, पटना आपके दिल के काफ़ी करीब होगा। जी जी, पटना में ज़्यादा कॉलेजेस नहीं रहे हैं जी, उस तरह से बीटेक के जी, या फिर किसी भी फील्ड में। हालांकि अभी तो धीरे धीरे नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, पटना में डेवलपमेंट हो रही है, बंदे ट्रेंड हो रहे हैं, काम हो रहा है, मगर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे लोग एज अ प्राइमरी करियर देखते हैं इंजीनियरिंग और या मेडिकल को, तो
आपको क्या लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि कोई बंदा अब 12th के बाद डायरेक्टली हैकिंग कर ले और हैकिंग से अपना करियर बनाने की सोच सके? नहीं, ऐसा तो नहीं है। कम से कम उन्हें ग्रेजुएट तो होना चाहिए और okay. कोई भी कंपनी है तो अंडर 18 को जॉब देगी नहीं। ओके okay. वैसे हैकिंग सीखने की मिनिमम एज भी कुछ है क्या? जी, हमारे पास तो 12th के बाद के ही बच्चे आते हैं, मगर हम लोग उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं देते हैं। बेसिक्स लेवल ऑफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज नहीं करें okay. क्योंकि उनके काम का नहीं आएगा। मैच्योरिटी आने के बाद तो अब बाकी जो मेरे पास जो आते हैं ग्रेजुएट के बाद का, तो मैं उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता हूँ। उनके अलग ड्यूरेशन होते हैं, तो उसके बाद क्या आता है, उनकी जॉब लग जाती है। कोई भी कंपनी अगर इथिकल हैकर्स को हायर करें, डेफिनेटली वो एक खुद की एक अपनी सिक्योरिटी का सोच रहे हैं, तभी वो इथिकल हैकर को हायर करते हैं। तो वो 10-12 के बच्चों को तो कभी भी हायर नहीं करेंगे। तो अगर कोई बच्चा, मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे आगे जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, तब आप सक्सेसफुल जुड़ोगे। ओके, शॉर्टकट्स के लिए कोई भी स्टेयर्स नहीं है, आपको फॉलो ही करना है। मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हैकिंग का कोई पर्टिकुलर कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आप इसमें पढ़ोगे उतना ही आप आगे जाओगे। और इसमें सारे फील्ड्स में आपको जाना है, यानी कि अगर वाईफाई है तो वाईफाई टेक्नोलॉजी, वेबसाइट टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सब कुछ आपको देख के आगे बढ़ना है। इसके लिए मैगजीन्स पढ़ो, आप माइंड को थोड़ा कूल रखो और अपने एक टाइम बना लो कि किस टाइम आपको क्या करना है। अगर आपको कुछ डेवलप करना है तो उसके अलग टाइम होने चाहिए, कुछ लिखना अलग होने चाहिए। बहुत सारी ई बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको ट्रेनिंग देती है, उनको आप फॉलो करो और किसी एक टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लो फिर सेकंड कर, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके okay. और बेसिकली सर आजकल बहुत लोगों में कंफ्यूजन रहता है, वो आजकल एनोनिमस हैकर्स का ग्रुप जो वो है, वो बच्चों में काफी क्रेज होता है। हमारे टाइम में भी था, वो एक फिक्शनल टाइप का, जैसे मार्वल की मूवी एवेंजर्स है, वैसे रियल लाइफ फिक्शंस है काफी कुछ। फिक्शंस हमारे बच्चों में भी मैं देखता हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है, ये बस एक फिक्शन है कहने सुनने की बात ही, या फिर इसमें कुछ ऐसा? नहीं, दोनों चीजें देखिए, कहीं ना कहीं आप उसको ओवरलैप करो तभी वो चीज बंदा उसको देखना चाह रहा है। मगर होता है क्या कि रियलिटी भी होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो ये मैं बोला नहीं चाहूंगे कि इसमें बहुत कुछ इलीगल एक्टिविटीज है, बच्चे जानेंगे तो वो फिर कहेंगे कि नहीं मुझे यही वाला चीज करना है, क्योंकि गलत एक्सप्लोरेशन की जी गलत कोई भी जल्दी पकड़ता है, सही चीज़ कोई पकड़ना नहीं चाहता है। ओके तो और जो भी एक मूवीज़ हैं या फिर कोई भी वीडियोज़ आप देखते हो तो उसमें वो चीज़ दिखाया जाता है कि बच्चों का रुझान हो, इंटरेस्ट हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप शक्तिमान बन के उड़ सकते हो। तो आपको ये जानना है कि वो कैसे काम कर रहा है, किस तरह से वो आगे वर्क कर रहा है, आप वो स्टेप को फॉलो करो। और बाकी मूवीज़ या जो भी वीडियोज़ आते हैं वो आपको डेवलप करने के लिए होते हैं, आपके मन की रुचि बढ़ाने के लिए वो आती हैं, इंटरेस्ट ये फुलफिल करने के लिए, ना कि वो आपको हार्म कर रहा है। ओके तो सर एक बात और आप बताइए मेरे को कि जो हैकिंग है इसमें, इसका आप हैकिंग का क्या फ्यूचर देखते हैं? हैकिंग में आने वाले समय में कॉमन मैन को भी हैकर्स की जरूरत पड़ सकती है, ऐसा कुछ? देखिए, जो भी आज के डेट में है क्या है कि हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। तो जिस तरह से कोई बड़ी कंपनी होती है तो वो अपने फ्रंट में किसी गार्ड को रखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को रखते हैं, ताकि उनके अंदर कोई एंटर कर सके। आप इसी को वर्चुअल सोचो, क्या कोई भी एक बड़ी कंपनी, उनका सारा काम ऑनलाइन है, जैसे कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग की, तो जब सारा कुछ आपके ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो फ्रॉड ना हो जाए, कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है, कहीं ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो रहा है, तो उस चीज़ों को बचाने के लिए इथिकल हैकर्स का नीड होता है। ओके, बेसिकली नेटवर्क से तो हर कोई जुड़ा है, इंटरनेट हर किसी को चलना है, डाटा और जी, और बग हर किसी में होता ही होता है। ओके या फिर जो हैकर्स होते हैं वो बग ढूंढ ही लेते हैं, तो वो कल हो के प्रॉब्लम ना क्रिएट करे तो डेफिनेटली वो एक इथिकल हैकर्स के लिए वैकेंसीज निकलते हैं। ओके जी। और सर आप बेसिकली आप खुद को कहाँ देखते हैं आज से 5 साल बाद, मैं कहूँ तो? जी, 5 साल बाद मैं ये चाहूँगा कि पटना में बहुत सारी कंपनीज है, मैं इसे डेवलपिंग वाले पार्ट में मैं कन्वर्ट करना चाहूँगा, जहाँ पे मैं बहुत सारे काम जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, वेबसाइट की सिक्योरिटी हो गई, वाईफाई सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं या तो किसी अच्छे कंपनी में काम करें, और हमारी जो कंपनी है वो डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी वाले पार्ट में आगे बढ़े। ओके, उसके लिए मुझे 5 साल लग जाएंगे, मैं अच्छे में टीम में मैं डेवलप कर सकूं, मैं उनको और भी ट्रेनिंग दे सकूं, जहाँ पे प्रोग्रामिंग, कोडिंग, स्क्रिप्टिंग, ये सब की हेल्प होती है। okay. मैं उनको वो चीज कराऊं जो भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आप प्राइवेट आर्मी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी पर्पस से? जी, और भी डिवाइसेस जैसे कि IoT डिवाइसेस, रेसबेरी पाई आ रहे हैं, तो उस डिवाइस के थ्रू आप कैसे इस ये फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इसको कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो सब भी हमारे डिवाइसेस एड अप हमारे सिलेबस में, ताकि आपको कोई भी अगर डिवाइस मिलती है IoT की तो उस पर भी काम कर सकते हो। ओके, क्योंकि आने वाले समय में सर आजकल
आजकल IoT का इतना बढ़ रहा है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं हर घर में, स्विच बोर्ड से लेके और पंखा चलाने का रेगुलेटर तक जी, हर कुछ IoT पे डिपेंड करता है। तो चीज है ना कि आप बस उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कल हो के उसे भी कोई मिसयूज ना कर ले, उसके लिए वहाँ पे भी बचने के लिए आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी काफी जरूरी होती है। ओके, ना ट्रेनिंग सही तो एक मेजर इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो फ्रॉड से बचे जाने के लिए कम से कम। और ये हर फील्ड में जरूरी होती है, अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो तो वहाँ भी फ्रॉड हो सकता है, अगर आप किसी मैनेजमेंट फील्ड में काम कर रहे हो तो सारे मैनेजमेंट आपको देखना है, तो वहाँ भी इथिकल हैकर्स का काफी। अच्छा, आजकल आने वाले समय में मैं देखता हूँ सर कि अक्सर मुझे भी 2-3 बार कॉल आ चुका है, शायद आपको भी आया होगा कि हेलो बॉस आपका जो ATM है वो बंद कर दिया जाएगा, आप अपना ये कार्ड नंबर बताइए इसमें कुछ आपकी हम लोग बचा लेंगे ऐसा कुछ। तो जो लोग अवेयर हैं वो तो अपना कार्ड नंबर नहीं देते हैं, जो लोग दे देते हैं जिनका फ्रॉड हो जाता है जैसा पता पैसा निकल जाता है, आपको क्या लगता है कि उनका पैसा लौटाया जा सकता है, मिल पाता है? जी ऑफकोर्स, देखिए अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके रिकॉर्ड हमारे ATM यानी कि कंपनी के पास है, उसका रिकॉर्ड बैंक के पास है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है तो पहले तो होना नहीं चाहिए, अगर हो भी रहा है तो आप तुरंत अपने बैंक से कंसल्ट करिए, उन्हें एप्लीकेशन दीजिए और इस पर तुरंत वो कार्रवाई करते हैं, पुलिस से कंसल्ट करिए कि ये फ्रॉड आपके साथ हुआ है, क्योंकि आज अगर 1 रुपये का हो रहा है तो 1 लाख का भी हो सकता है, तो पहले ही आप ये चीज करें। अच्छा, आपको प्रोटेक्शन के लिए इस बात का क्या लगता है सर कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ही मैं बात करूं क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, तो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार, आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर उतनी अलर्ट है जितनी की होनी चाहिए? देखिए आज के डेट में अलर्ट इसलिए नहीं है कि लोग यहाँ पे अपडेट नहीं है। ओके, मगर अब जैसे कि फ्रॉड बढ़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ रही है इन साइबर। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि लोगों को फेस करना पड़ रहा है, मगर हमारी गवर्नमेंट पीछे भी नहीं है, आज के डेट में बहुत ही आगे बढ़ रही है इस चीजों में, जगह जगह साइबर सेल्स खुल रहे हैं, मगर लोग को चाहिए कि अगर कुछ फ्रॉड होता है तो छुपाएं नहीं, वो पुलिस के पास जाएं, बैंक को फॉलो करें, जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करें, डेफिनेटली वो पकड़े जाएंगे और आपको जो पैसा जो कटा है या रिफंड आपको मिल जाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ों के लिए लगी हुई है। ओके, और बात रहती है सिक्योरिटी की, तो मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे पहला चीज़, अगर आपको इस तरह की कोई कॉल आती है तो आप उसे उठाएं नहीं, काट दिया करिए, कोई लिंक आती है तो क्लिक नहीं किया करिए, और आपके मन में किसी तरह का कुछ डाउट होता है ट्रांजेक्शन्स को लेके तो हर कंपनी का टोल फ्री नंबर है, हर एक बैंक के टोल फ्री नंबर है, उस पर आप कॉल करिए और उनसे आप बेहतर जानकारी ले सकते हैं। कोई भी कंपनी क्यों आपको टाइम देगी, आप उनसे जाके मिलिए, बातचीत करिए कि ये चीज़ हुआ है, तो डेफिनेटली आपके साथ कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता है। और बेसिकली एक सवाल और सर, बेसिकली आज के टाइम में जितना हमारा स्मार्टफोन जितना एडवांस हो चला है, जैसे कि यही मेरा स्मार्टफोन है, इसके अपने कान हैं, अपना आँख है और अपने खुद का मुँह है, ओके ये हमारे साथ है, तो खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह बैठा हुआ, हमें सुन रहा है, हमें देख सकता है, तो इसका कहीं ना कहीं हैकर्स जो हैं या कुछ लोग जो हैं कहीं ना कहीं बहुत गलत उपयोग कर सकते हैं, तो इस चीज़ से क्योंकि हम लोग अपना ये कहीं ना कहीं मतलब वरदान है तो कहीं ना कहीं श्राप भी है। श्राप भी है, सही बात है। तो हमारा कुछ भी ट्रैक करना और इन सबसे कुछ बचना, तो इसके लिए कुछ जी सबसे पहले तो थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना है। okay. वही आप ऐप करिए जो कि गूगल प्ले स्टोर पे हो, माना कि गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको बहुत सारे, मैं पर्सनली भी यूज करता हूं, तो बहुत सारे ऐप हैं जो कि मुझे बाहर से डाउनलोड करने पड़ जाते हैं, तो वो आप इसको पहले तो अवॉइड करिए। okay. आप उसे प्ले स्टोर से जो आपके जो ऑफिशियल जो है आप वहीं से इसको डाउनलोड करिए, अगर थर्ड पार्टी से कर रहे हैं तो उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट है, अब वहाँ से करें और अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करके चला करिए। और बहुत सारे ऐप ऐसी जो कि आपसे परमिशन मांगती है कि वो चेंज कर रहे हैं आपके फोटो को, वीडियोस को, तो वहाँ पे थोड़ा सतर्क करिए, उनकी पूरी पॉलिसीज को पढ़िए, तब उसको आप परमिशन देने में मैं ध्यान बरतू जी। और कोई भी लिंक अगर आता है या कोई भी फेक कुछ भी आपके पास कोई सेंड कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप पहले कंपनी से कंसल्ट कर लीजिए। अच्छा सर, एक बात आप और ये बताइए कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि आजकल अपने करियर को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, रीज़न ये नहीं है कि उनके पास करने को कुछ नहीं, रीज़न ये है कि मार्केट में हर कुछ इतना इजीली अवेलेबल है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए काफ़ी टेंशन होता है कि आखिर इस फील्ड को चुने कि उस फील्ड को चुने, तो ऐसा आप जिन पे आप पे ये सारी चीज़ें बीती हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी हमारे समय में तो मुझे हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मैंने जो भी किया मैं मतलब कि इंटरनेट पर सर्च किया कि क्या चीज़ बढ़िया चल रहा है, क्या चीज़ होना चाहिए और आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर होगा। मैं नहीं कर रहा हूँ कि हैकिंग एक फ्यूचर है और डेवलपमेंट वाले पार्ट में भी आगे बढ़ सकते हैं और किसी सर्टेन पे, मगर यहाँ पे बच्चों को ये होना चाहिए कि वो फोकस करें कि उनको करना क्या है,
और अभी के समय में क्या होता है कि यंग माइंड है तो आपका माइंड काफ़ी कुछ डाइवर्ट होगा, कुछ लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, तो आप पहले सोच लो कि आपको करना है क्या, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ अच्छे एक चीज़ करने हैं, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, डेफिनेटली आप उस फील्ड में आगे जाओगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया कर रहे हो, बायो ले रहे हो, फिर कंप्यूटर ले रहे हो, तो आप बाकी कुछ फैमिली सिचुएशन कुछ आपको और दे रहे हो, अंडर प्रेशर में काम नहीं करना है। जिस पर आप इंडिपेंडेंट हो, आपको मन लगता है, आप उसी काम को करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे लाइफ में। ओके जी, और बेसिकली क्या लगता है सोसाइटी में ट्रेंड्स चेंज हुआ है हैकर्स को लेकर? आज के डेट में सर बहुत कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है हैकर्स को लेके, और लोग आज के डेट में ये खुश चाहते हैं कि उनके बच्चे इस चीज़ की पढ़ाई करें, कंपनी में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं चीज़ों को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, तो मांग तो है, मगर ये है कि अब आने वाले दिनों में काफ़ी इसकी वैकेंसीज भी आ रही है और आने वाली है। पटना के कितने कॉलेजेस वगैरह में आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोर्स है ऑन हैकिंग? जी, अभी तक यहाँ पे कोई भी पटना में ऐसी कोई है नहीं, और बाकी कॉलेज हमें बुलाती है जहाँ पे हम सेमिनार देते हैं ताकि इसके बारे में मैं जागरूक कर सकूँ कि क्या होता है। ओके जी, बाकी पटना में ऐसे कोई कॉलेजेस है नहीं। ओके, चलिए कुछ दो शब्द जो आप अपने तरफ से कहना चाहेंगे सर हमारे शो में। जी, मैं ही कहना चाहूँगा कि थैंक्स मुझे बुलाने के लिए, आपने मुझे बुलाया, अपने कीमती समय मुझसे भी लिया, अपना भी दिया, और अच्छा लगता है कम से कम मेरी थ्रू और या तो आपके चैनल्स के थ्रू लोग आपके वीडियोस को देखें, और जो हमने आपसे बातचीत किया लोग जाने कि क्या होता है, एथिकल हैकर्स क्या होते हैं, या फिर कैसे बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, कोई लोग अगर एंटरप्रेन्योर है तो कैसे बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, क्या होता है वो देखें, और आपके चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले और हमारी पटना बिहार का नाम रोशन हो और भी लोग जो है इसको देख के आगे बढ़े, मोटिवेट हो। तो थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने, मुझे काफी अच्छा लगा, जानकारियां मिली हमें जी साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आके, कम से कम आपके थ्रू, आपके चैनल्स के थ्रू मेरे बातों को लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा इन चीजों को। बिल्कुल सर, और सर से जो भी कॉन्टेक्ट करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर आप सर से कुछ सजेशन लेना चाहें तो आप सीधा उनसे ले सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर।